मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे जॉनी सिंस का नाम सुना? क्या दीदी, आप तो बिल्कुल पहले की तरह रोमांटिक हो। क्या गांव के लोगों में आज भी इतना पावर है? क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं? कहानी की शुरुआत पिंटू और किशोर नाम के दो छपरी लड़कों से शुरू होती है। इन दोनों को ही लगता है कि इन्हें पढ़ाने वाला टीचर आज तक पैदा नहीं हुआ है, पर ये दोनों ही अपने आप को बड़े वाले तीसमार खान समझते हैं। सालों की हरकतें देखकर इनको कोई भी पढ़ाने की कोशिश नहीं करता। अब कहानी आगे बढ़ती है और पिंटू और किशोर दोनों ही चिनू चाचा के पास जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ये पता चल गया है कि कुछ भी जुगाड़ करना हो तो चिनू चाचा सब कुछ करते हैं। तो अब ये दोनों ही आते हैं अपनी परेशानियां बताने के लिए। दोनों ही कहते हैं कि हमें पढ़ा सके ऐसा कोई टीचर नहीं मिल रहा है, तो क्या आप हमारा कहीं पर जुगाड़ लगा सकते हो क्या? तो अब यहाँ पर चिनू चाचा इन दोनों को एक टीचर के बारे में बताने लगता है, लेकिन ये एक टीचर औरत है। चिनू चाचा उस टीचर का पता बताकर उन्हें वहाँ जाने के लिए कहता है, जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए पहले किशोर उस मैडम यानी कि फुलझड़ी के घर पर जाता है, और जाते ही उनका चमचमाता तन बदन देखकर ये सपनों में खो जाता है। और अब यहाँ पर आप सभी को एक मज़ेदार वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। ये वाला सीन पूरे 10 मिनट का है, जिसमें आपको माही कौर का गजब वाला तन बदन देखने को मिलेगा, और ये सीन पूरा खतरनाक है। पर इस लुच्चे का ये सपना जल्दी टूट जाता है। फिर किशोर चिनू चाचा का नाम बताकर पाठशाला में एडमिशन चाहिए ये कहता है, पर इस साले किशोर की गंदी निगाहें बस फुलझड़ी के रसगुल्लों पर ही जाने लगती हैं। खैर अब यहाँ पर फुलझड़ी किशोर की एडमिशन पक्की करवा लेती है, और यहीं पर एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत भाभी की पाठशाला से शुरू होती है, जहाँ पर फुलझड़ी किशोर के कंफ्यूजन्स को दूर करने लगती है, जहाँ पर ये साला ठरकी किशोर कुछ अलग ही बातें करने लगता है, जिसके बाद फुलझड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये साला किशोर अब प्रैक्टिकली करके फुलझड़ी को सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है, यानी कि ये किशोर भाभी के पूरे तन बदन का माप लेने लगता है, और किशोर के छूने से भाभी जी को कुछ अलग ही फील होने लगता है, जिसके बाद कब दोनों में पकड़म पकड़ाई वाला खेल शुरू हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। पर अब यहाँ पर किशोर का सपना सच होता है, मतलब कि इसे रियलिटी में भाभी को ठोकने का मौका मिल जाता है, और आपको पूरा खतरनाक वाला सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा सीन 10 मिनट का है, जिसमें ये किशोर भाभी के हर कोने कोने में चाट चाट कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है, और इनकी ये पाठशाला बड़ी मज़ेदार हो जाती है। अब इन दोनों का ये कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद भाभी की छोटी बहन मुन्नी आती है, फिर किशोर चला जाता है। अब रात को किशोर सुबह वाले सीन को याद करके फिर से सपनों में खो जाता है, पर इस बार भाभी जी के साथ नहीं, उसकी छोटी बहन मुन्नी के साथ ये किशोर टपाटप करने लगता है। अब सीन सपनों वाला हो या हकीकत वाला, पर ये सीन अगर आपको मज़ा ना दे तो मुझे बोलना, ये सीन इतना दमदार है कि आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। ये पूरा सीन 9 मिनट का है, जिसे देखने के बाद आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। पर किशोर का ये भी सपना जल्दी टूट जाता है, और अब इसे हकीकत में करने के लिए किशोर कुछ सोचने लगता है, और इसी के साथ एपिसोड 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत किशोर से शुरू होती है, जहां पर किशोर ने इस बार पिंटो को भी अपने साथ लेकर आया है, पर भाभी वहां पर नहीं होती तो वो उन्हें ढूंढने लगता है। पर उन्हें ढूंढते ढूंढते इन्हें कुछ गजब का सीन देखने को मिलता है, मतलब कि मुन्नी का बॉम फिगर। मुन्नी को नंगा पंगा देखकर किशोर के दिल में पूरे 440 का करंट लग जाता है, जिसके बाद किशोर पिंटू को भाभी को पटाने के लिए कहता है और खुद मुन्नी को पटाने जाता है। साला किशोर इंग्लिश सीखने का बहाना बनाकर मुन्नी के पास जाता है, जहां पर वो अपने टाइप की ABCD सुनाकर कब मुन्नी को पटा लेता है।
ये पता ही नहीं चलता और जो कल सपना देखा था वो आज हकीकत में ये पूरा करने लगता है। और यहाँ पर आपको मुन्नी और किशोर का खतरनाक वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। ये सीन पूरे पैसे वसूल वाला सीन है। इसे देखने के बाद आपके मुंह से ज़रूर लार टपकने वाली है। इधर पिंटू भाभी का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी भाभी आती है और किशोर को देखने जाती है, जहाँ पर वो इन दोनों का खतरनाक वाला रोमांस देखकर पूरी बौखला जाती है और अपने शरीर की गर्मी मिटाने के लिए ये पिंटू के पास जाती है और शुरू हो जाता है दूसरा महायुद्ध। मतलब कि आप सभी को दो तरफ दो पैसे वसूल वाले और खतरनाक पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे। इधर से ये चीनू चाचा भाभी के घर पर आता है और आते ही इन्हें टपाटप वाले सीन के दर्शन हो जाते हैं, जिन्हें देखकर उनके मुंह में भी पानी आ जाता है और ये चाचा अपना हाथ साफ करने के लिए सीधा अंदर घुस जाता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़कर उनका कार्यक्रम बंद करवा देता है। और यहीं पर पार्ट वन की कहानी ख़त्म हो जाती है। मैं पार्ट टू की भी स्टोरी जल्दी लेकर आऊँगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वेब सीरीज की स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और इस वेब सीरीज के हॉट वाले सीन भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, तो जल्दी से आप इस वेब सीरीज का आनंद लीजिए। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते समय वीडियो को लाइक करके वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।